हेलो फ्रेंड्स, पावर में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 जनवरी और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक किस नेता के ऊपर लिखी गई है? कर्म योद्धा ग्रंथ जो है आपके हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखा गया है। इस पुस्तक में नरेंद्र मोदी के आदर्श नेता होने का वर्णन किया गया है और इसका विमोचन हमारे गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHRC की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य रोगी देखभाल करने में सबसे आगे है? नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC के अनुसार जम्मू कश्मीर रोगी को अच्छे से देखभाल करने में नंबर 1 पर है। क्या हो जाएगा आंसर? सी। वहाँ पर जो है 95% खर्च जो भी होता है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, जो अदर राज्य के मुकाबले ज़्यादा है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सीएम ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सीएम ऐप जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम जयराम ठाकुर ने लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए जनता की परेशानी जो है डायरेक्ट सीएम तक पहुंचाया जा सकता है, इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया हो। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आरंभ कहाँ किया गया? बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल का चौथे संस्करण का जो आरंभ किया गया है वो बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में स्थित बक्सा नेशनल पार्क में किया गया है। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ए नंबर। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव किस राज्य में आरंभ हुआ है? 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो है वो आपके गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के फ्रंट पे आरंभ हुआ है, जिसमें दुनिया के बड़े से बड़े पतंग कलाकार जो भी है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा पांच का आंसर? सी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इन्वेंशन सेंटर BSCIC की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इन्वेंशन सेंटर BSCIC की स्थापना गुजरात में की जाएगी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दो भारतीय निजी बैंक श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर रही है? आपका जो है ये ICC बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये दोनों श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर रही है। तो क्या हो जाएगा? ए बी दोनों होंगे, इसीलिए सी में है दोनों, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, NSO ने 2019-20 में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? NSO क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 2019-20 में भारतीय GDP 5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। क्या हो जाएगा आंसर? डी। और वर्तमान के NSO के सहायक मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नसीम अल बाह्य सैन्य अभ्यास किन दो सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? नसीम अल बाह्य सैन्य अभ्यास भारत और ओमान सेना के बीच किया गया है, जिसका 12वां संस्करण जो है गोवा के मोरमुंगाओ तट पर होने वाला है। क्या हो जाएगा? भारत ओमान, सी हो जाएगा आंसर। चलिए दसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। भारतीय उच्च आयोग ने बांग्लादेश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया महात्मा गांधी के 150वें जयंती पर। क्या हो जाएगा आंसर? ए। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ 10 करेंट अफेयर्स देखे हैं जो आज के 9 जनवरी के हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।